हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल विच आर फॉर्म बाय द हेनरी फ्योल ओके सो बिफोर गोइंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मिस्टर फेोल लेट इस डिस्कस अबाउट द मिस्टर फेोल हेनरी फ्योल इनका पूरा नाम क्या है हेनरी फेोल ये Nine, 1841 में सॉरी 1841 में फ्रांस में पैदा हुए थे 1860 में इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री ली माइनिंग कोल माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री ली इन्होंने देन इन्होंने कोल माइनिंग कंपनी में ही एज ए इंजीनियर वर्क करना शुरू कर दिया 1888 में ये उसी कंपनी में प्रमोट हुए एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर यानी ये थे तो इंजीनियर बट उस कंपनी में लास्ट में प्रमोट हुए एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर जिस समय इनका प्रमोशन किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर जो कंपनी थी वो लगभग इंस्टॉलमेंट हो चुकी थी उस कंपनी का दिवाला लगभग निकल चुका था तो इन्होंने सोचा ये एक चैलेंज है भाई इस समय में मुझे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जा रहा है इन्होंने उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया और फिर अपनी मैनेजरियल टेक्निक्स इन्होंने अप्लाई की और तीस साल बाद जब ये उस कंपनी से रिटायर हुए उस समय कंपनी का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वह बहुत ही जबरदस्त था बहुत ही स्ट्रांग था उस समय में इनकी जो कंपनी थी वो लीडिंग कोल स्टील कंपनी बन गई थी इसका मतलब इनकी जो टेक्निक्स रही वो काफी उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल रही बहुत यूजफुल रही हेनरी फेओल को हम फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स के नाम से भी जानते हैं यानी इनको हम फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं क्यों क्योंकि इन्हीं ने सबसे पहले ये क्लियर किया था कि भाई टेक्निकल स्किल अलग चीज है और मैनेजेरियल स्किल अलग है इन्होंने ही मैनेजमेंट की प्रोसेस को बताने के लिए इन्होंने ही बताया कि भाई मैनेजमेंट के कुछ मेजर फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग एंड लास्ट इन्होंने फोर्टीन प्रिंसिपल डेवलप किए थे मैनेजमेंट यानी मैनेजर्स के लिए इन्होंने फोर्टीन प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच आर डवल्ड बाई मिस्टर हैंनरी फ्योल उसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल इन्होंने बनाया था चलिए इन प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क ये प्रिंसिपल क्या है देखिए प्रिंसिपल बड़े आसान है सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इनको नंबर वन प्रिंसिपल इज डिविजन ऑफ वर्क डिवीजन ऑफ वर्क को समझने के लिए इसको ऐसे समझते हैं कि भाई बहुत ज्यादा काम है बड़ा काम है उस काम को अगर हम एक बंदे को देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो क्या किया जाना चाहिए होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इन टू स्मॉल टास्क बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और एक बंदे को सारा काम असाइन करने के बजाय अलग अलग बंदों को अलग अलग लोगों को अलग अलग इंप्लॉय को छोटा छोटा काम दे दो और उन्हें कहो कि भाई आपको बस यही काम करना है काम डिवाइड करते हुए बंदों की कैपेबिलिटी को देखो उनकी क्वालिफिकेशन देखो एक्सपीरियंस देखो और उस वर्क को उन सब में डिवाइड कर दो जैसे ही काम डिवाइड हो जाएगा उनसे कहा जाएगा बंदों से कहेंगे हम उन एम्प्लॉईज से कहेंगे कि भाई आपको यही काम अब लगातार करते जाना है जब कोई पर्सन या कोई एम्प्लॉई बार-बार उसी जॉब को परफॉर्म करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा क्या होगा वो एक दिन परफेक्ट हो जाएगा और अपने इस काम में वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और उसका एफिशिएंसी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा सो so, ये था क्या डिवीजन ऑफ वर्क यानी क्या करेंगे इसमें इसमें हम होल वर्क को डिवाइड करेंगे स्मॉल टास्क में और यूनिट्स में और हर यूनिट असाइन की जाएगी एक पर्सन को उसकी कैपेबिलिटी उसकी क्वालिफिकेशन और उसके एक्सपीरियंस के बेस पर इससे क्या फायदा होगा क्या इंपैक्ट आएंगे इसके स्पेशलाइजेशन आ जाएगी इंप्रूवमेंट हो जाएगी परफॉर्मेंस में स्पीड बढ़ेगी काम करने की एक्यूरेसी आएगी काम करने में डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से हमारा जो काम है वो मोर बेटर हो जाएगा अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो इसके क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रहेंगे देखते हैं नंबर इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्क भाई काम करते करते क्योंकि सेम एम्प्लॉय को सिमिलर वर्क बार बार परफॉर्म करना है इससे क्या होगा उसकी एफिसियंसी वर्क करने की इंप्रूव हो जाएगी और वो एक्सपर्ट बन जाएगा जिससे उसके अंदर आ जाएगी क्या स्पेशलाइजेशन यानी वो स्पेशलिस्ट बन जाएगा काम का जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फायदा होगा बट अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करते वायलेशन करते हैं इस प्रिंसिपल का, हम इसको फॉलो नहीं करते management इसको फॉलो नहीं करता तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं सिंपल सी बात है एम्प्लॉई एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा स्पेशलाइज नहीं बन पाएगा यानी नो स्पेशलाइजेशन दूसरी बात अगर वो उस काम को करने का एक्सपर्ट नहीं होगा तो उसमें एफिशिएंसी कम हो जाएगी Next one is, हो सकता है काम भी एक ही काम को दो दो बंदे कर रहे हो और बाद में हमें पता चले कि भाई काम में वर्क में डुप्लीकेसी हो रही है तो अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है सो so सिंपल इस प्रिंसिपल में क्या है होल वर्क को डिवाइड करना है स्मॉल टास्क में और इंप्लॉइज को उनकी कैपेबिलिटी के बेस पर थोड़ा थोड़ा काम बांटते जाना है और उनको कहना है कि भाई आपको यही काम बार बार करना है दिस इज ऑल अबाउट डिविजन ऑफ वर्क सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ इज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की पेयरिटी का प्रिंसिपल है मतलब ये प्रिंसिपल कहता है कि अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हैंड टू हैंड होनी चाहिए अब पहले अथॉरिटी को समझ लेते हैं व्हाट इज अथॉरिटी अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन यानी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको कुछ डिसीजन लेने की पावर दी जाए तो यही क्या, है आपकी? Authority. Whereas, responsibility क्या होती है जॉब असाइन ऑन टाइम यानी आपको जो काम दिया गया अगर आप उस काम कोईज करते हो आप उस काम को टाइमली कंप्लीट करते हो और अपने बॉस को बता देते हो यही क्या है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो काम आपको दिया गया उस काम को करने का कर्तव्य ही क्या है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ये प्रिंसिपल कहता क्या है देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन दी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बैलेंस होना चाहिए दे मस्ट गो हैंड इन हैंड मतलब बराबर बराबर होनी चाहिए ज्यादा अथॉरिटी अगर दे दी जाएगी रेस्पॉन्सिबिलिटी से तो इसका नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी अगर अथॉरिटी से तो इससे हो सकता है आपका काम पूरा ना हो अथॉरिटी ज्यादा हो जाती है तो मिस भी हो सकती है इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अपने एंप्लॉयज को अथॉरिटी दे रहे हैं तो अथॉरिटी उतनी ही देनी चाहिए जो मैच करती हो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी से यानी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस होनी चाहिए ना अथॉरिटी कम होनी चाहिए ना रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होनी चाहिए ना अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए ना अथॉरिटी कम होनी चाहिए ओके अगर दोनों सेम सेम रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर दोनों सेम नहीं होंगे तो अथॉरिटी का मिस यूज हो जाएगा अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइमली देखते हैं पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहते हैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के नंबर वन नो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करते हुए हम अथॉरिटी देते हैं तो इसका मतलब अथॉरिटी का मिसयूज नहीं हो पाएगा क्योंकि सिमिलर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है दूसरा फायदा हेल्प्स इन मीटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम विदाउट एनी डिले इंप्लॉयिज को हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दी थी लेकिन साथ ही साथ उस काम को करने की अथॉरिटी भी दी इसका मतलब वो काम बिना किसी देरी के टाइमली पूरा करके आपको दे सकता है यानी आपका काम भी समय से पूरा हो पाएगा और अथॉरिटी का मिसयूज भी नहीं होगा बट अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा अगर आपने अथॉरिटी ज्यादा दे दी तो ज्यादा अथॉरिटी के चक्कर में आपका एम्प्लॉय हो सकता है घमंड में घूमता रहे यानी वो अथॉरिटी का मिसयूज कर सकता है नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन अचीविंग टारगेट हो सकता है हमने उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा कम दी और इस वजह से उसका काम जो है, वो ता, पूरा नहीं हो पाएगा उसका नहीं होगा पूरा नहीं हो पाएगा इन फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमने उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दी हैिटी कम दी है तो फिर हम उसके ऊपर पूरी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते वह एक्सक्यूज भी दे सकता है कि इस काम को कंप्लीट करने की अथॉरिटी मेरे पास नहीं थी मैं यहां अटक गया मैं वहां अटक गया सो so, हम उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी कंप्लीटली फिक्स नहीं कर सकते सो दिस इज ऑल अबाउट अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या कहता है ये प्रिंसिपल सबसे पहले प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं डिसिप्लिन सॉरी प्रिंसिपल नहीं डिसिप्लिन को डिस्कस करते हैं डिसिप्लिन डिसिप्लिन रेफर्स टू फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट गुड सुपरवाइजर और सुपीरियर एट ऑल लेवल क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल्स ज्यूडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं डिसिप्लिन का बेसिक मतलब क्या है ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो इम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है रूल्स रेगुलेशन सब आपको बता दिए जाते हैं आपको कैसे बिहेव करना है इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप किया जाता है अगर आप उसको फॉलो करते हो अपने कोड ऑफ़ कंडक्ट को अपने इम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के रेगुलेशन को अगर आप फॉलो करते हो दैट मीन्स

तो ये देखा जाए कि किसकी कमी की वजह से काम पूरा नहीं हुआ अगर एम्प्लॉय की कमी से नहीं हुआ तो उसको पेनालाइज किया जाना चाहिए अगर सुपीरियर या जो आपकी है उसकी वजह से काम पूरा नहीं हुआ तो उसको भी पेनालाइज किया जाना चाहिए ठीक है सो so, डिसिप्लिन हर हर लेवल पर डिसिप्लिन होना चाहिए क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए सुपीरियर एंड सबोर्डिनेट के बीच में और

फेयर और क्लियर एग्रीमेंट होना कि भाई सुपीरियर को क्या करना है और सबोर्डिनेट को क्या करना है और आपको जो काम दिया गया आपका जो जो कमिटमेंट कमिटमेंट है है या आपके सुपीरियर का जो commitment है, वो सारे के सारे के हर लेवल पर मीट आउट हो और अगर अच्छे से काम नहीं हो रहा है तो क्या किया जाना चाहिए पेनलाइज किया जाना चाहिए दिस इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिकली काम करेगी और अगर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिकली काम करेगी तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं नंबर वन डिसऑर्डर कंफ्यूजन एंड क्यो हो सकता है कि आपने डिसिप्लिन प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया मैनेजर ने इसको सही से अप्लाई नहीं किया या जो सुपीरियर है आप उसके ऊपर डिसिप्लिन अच्छे से इम्पोज नहीं कर पाए उसको पेनालाइज नहीं कर पाए उसकी गलती होने की वजह से तो बाद में इम्प्लॉई आपकी बात सुनेगा भी नहीं वो डिसोबे करेगा आपको आपका ऑर्डर नहीं मानेगा इसलिए सभी को अपना कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई मैं का ये काम करूं या ना करूं सुपीरियर ने नहीं किया मैं क्यों करूं ठीक है तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है अगर इस प्रिंसिपल को वायलेट करेंगे तो नेक्स्ट वन इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज अगर आप अपने काम को टाइमली पूरा नहीं कर पाते डिसऑर्डर होता है कंफ्यूजन होता है इसका मतलब आप अपने कमिटमेंट भी टाइमली पूरे नहीं करोगे इससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो जाएंगे नेक्स्ट वन इज अगर रूल्स और रेगुलेशन सही से अप्लाई नहीं किए जाएंगे डिसिप्लिन से काम नहीं होगा तो काम करने में डिले होगा दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल प्रिंसिपल इज़ ऑफ़ यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी इन कमांड ये प्रिंसिपल सिंपल सिंपल बात करता है कि भाई जो इंप्लॉइज हैं उन सबको या जो ग्रुप है उस ग्रुप के जो भी इंप्लॉ हैं, उन सब का एक बॉस होना चाहिए यानी उनका वन बॉस सुपीरियर होना चाहिए और जो इंप्लॉई है उसी के प्रति क्या होने चाहिए अकाउंटेबल होने चाहिए ठीक है क्योंकि अगर सिंपल सी बात है अगर इंप्लॉय को एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर मिलेंगे बेचारा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई किसका ऑर्डर मानू और किसका ऑर्डर ना मानू सो एन एंप्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन वन बॉस बॉस सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल टू ओनली और उसे सिर्फ एक ही बॉस के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए ओके okay. अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं तो क्या होगा क्या इंपैक्ट आएंगे इसकी क्या पॉजिटिव होगा इसका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा एम्प्लॉज के माइंड में उन्हें पता है कि भाई मुझे किसको आंसर करना है कौन मेरा बॉस है कौन मुझे डांट सकता है कौन मुझे काम दे सकता है मुझे किसको रिप्लाई करना है मुझे मैं किसके प्रति अकाउंटेबल हूं उसको मालूम है उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा नेक्स्ट वन इज इफेक्टिवनेस इन वर्किंग इससे क्या होगा एम्प्लॉय अपने काम को क्योंकि कोई कंफ्यूजन है ही नहीं तो वो अपने काम को टाइमली पूरा कर देगा यानी इफेक्टिवनेस उसके काम में आ जाएगी क्योंकि उसका एक ही बॉस है अगर उसके मान लेते हैं उसके दो बॉस होते वो एक का ऑर्डर मान देता है एक का ऑर्डर ना मानता तो क्या होता दोनों बॉस के बीच में ईगो क्लैशेस आ जाता तो यहाँ पर तो ये है नहीं ये प्रिंसिपल क्या कहता है एक ही बॉस होना चाहिए उसी के प्रति अकाउंटेबल है वही आपको काम देगा तो यानी दो बॉस है ही नहीं तो ईगो भी आपस में किसी की क्लैश नहीं करेगी इस प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो नहीं करते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कंफ्यूजन हो सकता है मान लीजिए आपके जो दो बॉस हैं या आपके चार बॉस हैं चारों बॉस ने आपको ऑर्डर दे दिया अब इंप्लॉय सोचेगा मैं किसका काम करूं पहले का दूसरे का तीसरे का चौथे का किसका काम करूं और उसको चांस मिल जाएगा वो किसी का भी काम नहीं करेगा वो सोचेगा मैं पहले को कह दूंगा दूसरे का काम कर रहा था दूसरे को कह दूंगा तीसरे का काम कर रहा था तीसरे को कह दूंगा चौथे का काम का कर रहा था चौथे को कह दूंगा पहले का काम कर रहा था इससे उसको काम से बचने का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का एक्सक्यूज मिल जाएगा नेक्स्ट वन इज हम डिसिप्लिन को इम्पोज नहीं कर पाएंगे डिसिप्लिन डिसिप्लिन का जो प्रिंसिपल है वो भी फिर फॉलो नहीं हो पाएगा यानी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा बॉस होंगे जिसका ऑर्डर आपने नहीं माना वो इसको अपने ईगो पे लेके जाएगा यानी ईगो क्लैशेस होने शुरू हो जाएंगे तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई कमांड में क्या होनी चाहिए यूनिटी आपका एक ही बॉस होगा वही आपको ऑर्डर देगा और आप उसी के प्रति अकाउंटेबल ओके नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ध्यान रहे ये प्रिंसिपल बात करता है डायरेक्शन की देखिए इस प्रिंसिपल को कंफ्यूज करते हैं बच्चे आप पहले जो इससे पहले वाला प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड इसमें और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है सो so, आपको अपने कंफ्यूजन को क्लियर रखना है सबसे पहले इसको समझते हैं कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आखिर है क्या देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि भाई एक यूनिट है इसका मतलब क्या है एक प्लान ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिट है तो उसके लिए प्लान भी एक ही होना चाहिए और ये क्या होगा दैट इज ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन दैट इज अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल सिंपल बात है इसमें ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई जितने भी एम्प्लॉय हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं सो ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवार्ड्स वन डायरेक्शन सबको एक ही डायरेक्शन में जाना है सबका एक ही गोल है और वो गोल क्या है कॉमन गोल ऑर्गेनाइजेशन का अचीव करना ठीक है यानी चाहे मेंबर हो चाहे टॉप लेवल हो चाहे मिडिल लेवल हो चाहे लोअर लेवल हो चाहे सुपीरियर हो चाहे सब हो सबकी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए और वो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल इससे क्या होगा अगर हम सब का एक ही गोल होगा और वो कौन गोल क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव करना तो इससे हम सब के बीच में कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा ईच डिपार्टमेंट एंड ए ग्रुप कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट है आपका एक head है, एक ही plan है 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 ही उसी को सबको करना है. So, पहले वाला प्रिंसिपल क्या कहता था प्रिंसिपल ऑफ कमांड क्या कहता था यूनिटी ऑफ कमांड देखिए इसमें डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं हम पहले यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक सबोर्डिनेट को ऑर्डर एक ही बॉस से मिलेगा और वो रेस्पॉन्सिबल भी उसी के प्रति होगा जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि आपका एक हेड है और एक ही प्लान है और आप सबको एक ही डायरेक्शन में जाना है यानी ये डायरेक्शन की बात करता है वो कमांड और रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड का जो एम है वो क्या है कि भाई हमारा जो सबोर्डिनेट है वो सबोर्डिनेशन ना करे वो पहले बॉस का ऑर्डर बता के दूसरे का, काम बता करके वो कोई एक्सक्यूज ना ले यानी वो आपस में सबोर्डिनेशन ना करे सुपीरियर का कहना माने एक होगा तो आराम से मानेगा एक से ज्यादा होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो एम ये है कि भाई वो ड्यूल सबऑर्डिनेशन को क्या किया जा सके प्रिवेंट किया जा सके ड्यूल सबऑर्डिनेशन मतलब ना तो वो पहले का काम कर रहा ना वो दूसरे सुपीरियर का काम कर रहा वो दोनों के प्रति अकाउंटेबल हो ही नहीं पा रहा सबऑर्डिनेशन कर रहा है दोनों जगह यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या एम है ओवरलैपिंग ना हो एक डायरेक्शन में होंगे हमें मालूम है किसको क्या करना है कहां जाना है तो क्या होगा हम सब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे किसी दूसरे ग्रुप का कोई दूसरा गोल नहीं होगा क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को तो एक ही डायरेक्शन में लेके जाना है सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो एम है वो क्या है एक्टिविटी जो ओवरलैप हो सकती है उनको रोकना अगर हम दो डायरेक्शन में जाएंगे तो हो सकता है मैं एक डिपार्टमेंट भी वही काम कर रहा हूं दूसरा डिपार्टमेंट भी वही काम कर रहा हो, हो। जबकि एक डायरेक्शन में जाएंगे तो सबको मालूम होगा भाई किसको क्या क्या करना है सो so, ओवरलैपिंग नहीं होगी यूनिटी ऑफ कमांड की इंप्लिकेशन क्या है ये एम्प्लॉई को इंडिविजुअल एम्प्लॉई को इफेक्ट करता है जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बात करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वापस चलते हैं किसमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या था वन यूनिट मींस वन प्लान और वो क्या था कि सबको एक ही डायरेक्शन में जाना है सबका एक ही एम है सबके लिए एक ही प्लान है और वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव करना अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं अपने है, तो क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाएंगे टाइमली दूसरी बात जितने भी हैं उन सब की जो है एफर्ट हैं, वो यूनिफाइड हो पाएंगे यानी एक डायरेक्शन में ले जाए जा सकेंगे यूनाइट करके उन सबको हम एक डायरेक्शन में ले जा सकते हैं यानी कोऑर्डिनेशन हो पाएगा इसमें नुकसान क्या है अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते वायलेट करते तो आपको नुकसान क्या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं हो पाएंगे टाइमली, और एज ए रिजल्ट आपके सारे एफर्ट आपके जो रिसोर्सेज हैं वो सब क्या हो जाएंगे वेस्ट हो जाएंगे सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट देखो ये प्रिंसिपल सीधी सीधी बात करता है द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट जिसको हम जनरल इंटरेस्ट बोल रहे हैं इन दोनों में क्लैश हो जाता है तो किसका इंटरेस्ट सर्वोपरि रहेगा किसका इंटरेस्ट सुपरसीड करेगा सो so, इट विल बी दी जनरल इंटरेस्ट ऑफ दर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल इसका लाइव एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है यूपी में अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी आदित्यनाथ योगी जी उनका उनकी पूरी गवर्नमेंट का भी जनरल इंटरेस्ट क्या है वहां के जो करोना पीड़ित हैं उनको ठीक करना और कोरोना को ना फैलने देना ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन का एक क्या है जनरल इंटरेस्ट जबकि उनके फादर की डेथ हुई थी तो उन्हें वहां पर भी जाना था लेकिन उन्होंने देखा कि भाई मेरा पहला काम क्या है? देश सेवा, राज्य की सेवा और पिता के अंतिम संस्कार करना भी तो उनका ही उत्तरदायित्व था इंडिविजुअल इंटरेस्ट था तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा वहां मैं अपने राज्य को देखूंगा यानी मैं अपने जनरल इंटरेस्ट को ही फॉलो करूंगा जनता को पहले देखूंगा ठीक है सो क्लियर द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स और यानी सिंपल और इसको समझ लेते हैं एक बार फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल और इंडिविजुअल गोल में कोई भी क्लैश होता है तो आपको अपना इंडिविजुअल गोल जो है वो छोड़ना पड़ेगा आपका फोकस कहा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ओके नेक्स्ट वन इज इसका पॉजिटिव इफेक्ट देख लेते हैं अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल अगर जनरल इंटरेस्ट को यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आप सुपर ये फोकस में रखोगे और इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का गोल आसानी से अचीव हो पाएगा इसके अलावा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों में कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलेगा यानी इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल दोनों में कोऑर्डिनेशन आ जाएगा अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा इवन एम्प्लॉइज भी लॉन्ग रन में सफर करेंगे इसको और सिंपल आपको समझाते हैं कि भाई मान लीजिए आपका आपको छुट्टी में घूमने जाना है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अभी आपकी जरूरत है आपने पहले से प्लान बना रखा है घूमने का और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है नहीं भाई अभी ऑर्डर ज्यादा आ रहा है अभी डिमांड ज्यादा हो रही है आपको रुकना पड़ेगा काम करना पड़ेगा आपने कहा नहीं मुझे तो घूमने जाना है आपने अपने इंटरेस्ट की बात की और आप घूमने चले फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन रखेगी क्या आपको जैसे ऑर्गेनाइजेशन को मौका मिलेगा वो आपको निकाल देगी यानी आप लॉन्ग रन में सफर करेंगे है ना? ओके, तो आपको क्या करना चाहिए वहां पर अपना घूमने का प्लान कैंसिल करके ऑर्गेनाइजेशन के प्लान पर फोकस करना चाहिए सो दिस इज़ ऑल अबाउट सबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट और नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ रेमोनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज ये प्रिंसिपल कहता है अकॉर्डिंग टू फ्यूल एम्प्लॉय इन दी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली और एक्टलीम मैक्सिम सैटिस्फेक्शन सिंपल कहता है कितनी होनी चाहिए फेयर रेमुनरेशन उसका कितना होना चाहिए भाई सिंपल बात अगर हम उसको एडिकुएट सैलरी देंगे फेयर रेम्यनोरेशन देंगे तो उसको सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा लेकिन क्वेश्चन येमुनरेशनो सैलरी कितनी दी जानी चाहिए सो इट विल डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी एडिक्वेट सैलरी कितनी होगी दूसरी बात उसकी एडिक्वेट सैलरी उतनी भी तो होनी चाहिए जितनी देश का मिनिमम वेज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट बोलता है यानी गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेज का कानून बनाया है उससे तो ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी ही चाहिए तीसरी बात वेजेस और सैलरी हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारा जो कंपटीटर है उसके या तो बराबर दें हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी या उससे ज्यादा दें ओके सो रेमुनरेशन एम्प्लॉय को एडिक्वेट दिया जाना चाहिए ये कहता ही है ये प्रिंसिपल और वो कितना होना चाहिए डिपेंड करता है कंसर्न की ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी के ऊपर गवर्नमेंट के मिनिमम वेज एक्ट के ऊपर और कंपटीटर्स द्वारा दी जाने वाली सैलरी और वेजेस के ऊपर यानी सिंपल रेमोनरेशन उसको एडिक्वेट मिलना चाहिए इससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो अच्छे से काम करेगा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा इसका आपके एम्प्लॉय को अगर अच्छा पैसा मिलेगा तो वो अच्छे से काम करेगा यानी वो सेटिस्फाई हो करके काम करेगा नेक्स्ट इज नेक्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहेगा अगर वो अच्छे पैसे पा रहा है तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल भी रहेगा डेडिकेशन से भी काम करेगा यानी उसके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा वो सोचेगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा ध्यान रख रही है तो मुझे भी ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या आ, क्या नुकसान हो सकता है डिससेटिस्फेक्शन सिंपल बात उसको सही पैसा नहीं मिलेगा तो डिससेटिस्फेक्शन उसको होगा और वो डिमोटिवेट हो जाएगा उसका मोरल भी डाउन होगा इससे जैसे ही उसका उसको चांस मिलेगा वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा सकता है जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉइज टर्नओवर यानी आपके एम्प्लॉई आते रहेंगे और छोड़-छोड़ के जॉब को जाते रहेंगे एम्प्लॉइज टर्नओवर क्रिएट आपकी हाई हो जाएगी नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डीसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है ये प्रिंसिपल सबसे पहले समझ लेते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या है और डीसेंट्रलाइजेशन क्या है सेंट्रलाइजेशन होता है कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल अगर हम पावर को यानी डिसीजन लेने की जो पावर है उसको सेंट्रलाइज यानी टॉप लेवल के हाथ में ही देते हैं कि भाई जो भी डिसीजन होगा यही लेगा टॉप लेवल ही लेगा जैसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें मालिक ही सारे के सारे डिसीजन लेता है इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है अब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो सारे डिसीजन बॉस कैसे लेगा और हर समय बॉस कैसे अवेलेबल होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं कुछ पावर को डेलीगेट कर देते हैं दे देते हैं पावर को कुछ अपने मिडिल मिडिल लेवल लेवल वालों को को मैनेजर्स तो जब पावर को आप दे देते हो डेलीगेट कर देते हो अपने सबोर्डिनेट को ताकि वो भी टाइम बढ़ने पर डिसीजन ले सके सो so, इसको क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन अब प्रिंसिपल कहता है कि भाई एक कंपनी में ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए क्या होना चाहिए फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए अब क्या हर कंपनी में ऐसा होना चाहिए नहीं डिपेंड करता है कंपनी कैसी है छोटे लेवल की है या बड़े लेवल की छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो सेंट्रलाइज भी चल जाएगा लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना पड़ेगा हमें पावर डिसीजन लेने की पावर डेलीगेट करनी ही पड़ेगी यानी डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा सो so, ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम कर रही है किस नेचर की है क्या साइज है उसका इनको ध्यान में रखते हुए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का डिसीजन लिया जाना चाहिए और फिर क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे नंबर वन आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का फायदा मिलेगा दूसरा आपका जो डिसीजन है डिसीजन ऑपरेशनल लेवल पर फास्ट हो जाएगा यानी आपके काम करने की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी और टॉप लेवल कंट्रोलिंग करने पर ज्यादा ध्यान दे पाएगा नुकसान क्या अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो भाई कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा कि सारे डिसीजन बॉस ही लेगा तो इससे क्या होगा इससे काम में देरी हो सकती है वर्क में देरी हो सकती है डिले हो सकता है डिसीजन मेकिंग में तो आपका वर्क भी अफेक्ट करेगा अगर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए तो इससे क्या होगा हर लेवल पर आपने अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया वो लोग अथॉरिटी का मिसयूज भी कर सकते हैं सो so, क्या कहता प्रिंसिपल की ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन एज़ वेल एज़ डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ने चाहिए नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है स्केलर चेन चेन मींस लाइन ऑफ़ ऑफ़ अथॉरिटी और सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक फेऑल क्या कहता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में ये चेन फॉलो होनी चाहिए स्केलर चेन की बात कर लेते हैं आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है सी सी आपकी टॉप हायर अथॉरिटी बी और डी नीचे के लेवल पर काम कर रहे हैं ए और ई e उससे नीचे के लेवल पर काम कर रहे हैं तो मान लीजिए ए को ई e को कोई बात बोलनी है तो उसको डायरेक्टली नहीं बोलनी वो क्या करेगा ए से ए पहले बी को बोलेगा वो बात फिर वो सी के पास जाएगी सी फिर डी को बोलेगा और डी तब उसको ई e को बोलेगा इससे क्या होगा इससे ऑर्गेनाइजेशन में थॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी की एक चैन बनी रहेगी और वो लोग आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे फॉर आप इसको एक से से समझिए आपने आर्मी का स्ट्रक्चर देखा है नीचे ऊपर की ओर जितने रिक्वेस्ट है वो सारी की सारी जाती है और ऑर्डर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं अब अगर आर्मी वालों को बात करनी एयरफोर्स वालों से तो मुंह उठा के जाके डायरेक्टली बात कर लेंगे क्या नहीं वो पहले अपने बॉस को बोलेंगे अपने सुपीरियर को बोलते बोलते फिर जो हायर सुपीरियर होगा वो उसके हायर सुपीरियर तक बात पहुंचाएगा, फिर उसके मेन डिपार्टमेंट तक बात जाएगी यानी स्केलर चेन कहता है कि भाई अथॉरिटी की एक पर्टिकुलर चेन होनी चाहिए और किसी भी कंडीशन में हमें उस चेन को ब्रेक नहीं करना है यानी सुपीरियर हाइस्ट टू लोअर रैंक पे होते हैं तो हमें उस चेन को क्या करना है फॉलो करना है मुझे अपने इमीडिएट बॉस को बताना है उसी से परमिशन लेनी है मेरा बॉस अपने ऊपर वाले से बात करेगा उसका बॉस उसके ऊपर वाले से बात करेगा ठीक है मैं कभी भी इस चेन को ब्रेक नहीं करूंगा इस डायग्राम में हमने समझा कि ए को ई e से बात करनी है तो वो पहले बी से परमिशन लेगा बी सी से या सी उसके बाद कम्युनिकेशन करेगा डी से डी करेगा ई e से और तब ए की बात ई e तक पहुंचेगी अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसमें तो डिले हो सकती है इसमें तो बहुत समय लगेगा तो कोई बात नहीं इसको आपको फॉलो करना ही करना है बट क्वेश्चन आता है इमरजेंसी भाई कोई इमरजेंसी आ गई तुरंत बात करनी सो so, इमरजेंसी के केस में ए डायरेक्टली ई से बात कर सकता है ठीक है ये परमिशन कब दी जानी चाहिए इमरजेंसी में कि भाई ए, ए आप डायरेक्टली बात कर लीजिए इमरजेंसी में दी गई इस परमिशन को हम क्या बोलते हैं स्केलर चेन मींस लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू तो लोएस्ट रैंक फ्यल क्या कहता है? करता है कि भाई इस चेन को फॉलो किया जाना चाहिए वो भी स्ट्रिक्टली बट इन केस ऑफ इमरजेंसी You can use the न यूज दैंग प्लैंक पॉजिटिव इफेक्ट क्या है का. अगर स्केलर चेन को फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक फ्लो होगा इंफॉर्मेशन का और कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा नुकसान क्या है अगर आप इसको फॉलो नहीं करते अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है कम्युनिकेशन गैप का क्या मीनिंग समझ रहे हो आप कम्युनिकेशन गैप इसको भी समझ लेते हैं ए अगर डायरेक्टली ई e से बात करता तो बी सी डी इन तक वो बात कम्युनिकेट नहीं हुई ओके okay? सो so, अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आती है अकाउंटेबिलिटी वाली बात आती है तो आपके जो हायर अथॉरिटी हैं वो कहेंगे उन्हें तो ये बात पता ही नहीं है सो so, देर में भी कम्युनिकेशन गैप दूसरी बात कोई क्लैरिटी नहीं होगी भाई अथॉरिटी किसकी है रेस्पॉन्सिबिलिटी की कि है किसकी है ये इनकी जो रिलेशनशिप है वो मैच नहीं कर पाएगी जिसकी वजह से रोल क्लियरिटी भी नहीं हो पाएगी क्योस हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में इनडिसिप्लिन आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में सब सोचेंगे टाल दो भाई मेरा क्या मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे कोई बात बताई नहीं गई है सो so, ये सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगी सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ आर्ट ऑर्डर का यहां पर मतलब ऑर्डर देने से नहीं है यहाँ ऑर्डर का मतलब है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटीरियल फॉर एवरीथिंग एंड एवरी वन इन दी ऑर्गेनाइजेशन देखिए ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज के लिए चाहे वो मैन हो चाहे वो मटीरियल हो हर किसी का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए एक हर किसी की एक फिक्स सीट होनी चाहिए या पर्टिकुलर पर्सन का पर्टिकुलर कहीं ना कहीं कोई कैबिन हो ना, चाहिए देखो ये प्रिंसिपल अगर हम देखते हैं तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में ये फॉलो होता है आपको ग्रोसरी का आइटम अलग जगह मिलता है आपको क्लोथ वाले आइटम अलग जगह दिखाई देते हैं यानी एक पर्टिकुलर ऑर्डर वो लोग फॉलो करते हैं ठीक है यानी सिंपल क्या कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है कि भाई मैन और मटेरियल सबके लिए फिक्स प्लेस होना चाहिए हर चीज के लिए हर सामान के लिए हर पर्सन के लिए फिक्स प्लेस होना चाहिए इन केस ऑफ नीड कहाँ ढूंढोगे अगर फिक्स प्लेस है फिक्स ऑर्डर में है चीजें तो आपको पता है कहाँ मिलेगा वो मटेरियल कहाँ मिलेगा वो बंदा कहाँ मिलेगा वो एम्प्लॉय आप डायरेक्टली वहां पर अप्रोच कर सकते हो आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो देखिए क्या फायदा होगा नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड को ना ही व्यक्ति को को ढूंढने में आपका समय बर्बाद होगा यानी आपका टाइम बचेगा दूसरा काम भी सिस्टमेटिकली होगा स्मूथली होगा इस प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो नहीं करते तो क्या होगा आपका समय भी जाएगा सामान ढूंढने में एम्प्लॉय को ढूंढने में आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी और आप राइट राइट पर्सन को टाइम पर कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इक्विटी का क्या मतलब है इक्विटी मींस नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स रिलीजन लैंग्वेज कास्ट बिलीफ और शनैलिटी हमें किसी के देश के ऊपर वो किस राज्य से रहता है क्या लैंग्वेज बोलता है क्या कास्ट है क्या सेक्स है उसका क्या रिलीजन है इस बात पर हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है सो इक्विटी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ सेम डिसिप्लिन रूल लीव रूल इन द सेम वे रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रेड पोजिशन एंड जेंडर यानी मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में लीव की बात करते हैं बॉस क्या करता है कुछ लोगों को लीव तुरंत सेंक्शन कर देता है कुछ लोगों की लीव वो एक्सेप्ट ही नहीं करता उनको लीव दे ही नहीं रहा मतलब छुट्टियां दे ही नहीं रहा जो उसके उसके फेवर में लोग हैं या जो उसकी चमचागिरी करते हैं उनको तो वो फटाफट लीव दे देता है बाकी के लिए वो बात करता है डिसिप्लिन की ओके सो ऐसा नहीं करना चाहिए उसको एक मैनेजर को क्या करना चाहिए सेम डिसिप्लिन रूल सब के लिए सेम होने चाहिए लीव रूल सबके लिए सेम होने चाहिए चाहे किसी का कोई भी ग्रेड हो कोई कितनी भी ऊंची पोस्ट पर हो कितने भी नीची पोस्ट पर हो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी सेक्स के बेस पर रिलीजन के बेस पर लैंग्वेज के बेस पर कास्ट के बेस पर बिलीफ के बेस पर या नेशनैलिटी के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को नहीं करना चाहिए इसका क्या इफेक्ट है अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट इसका रहेगा आपके आपके जो है वो हैप्पी रहेगी रहेगी खुश और सेटिफाई रहेगी. रहेगी तो वो मोटिवेटेड भी रहेगी यानी काम करने के लिए तैयार भी रहेगी उनका मोरल जो होगा वो हाई होगा उनको बॉस के प्रति ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयलिटी रहेगी वो डिवोशन से काम करेंगे सोचेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता इससे उनका मॉरल बूस्ट होगा और वो अच्छे से काम करेंगे इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो इंप्लॉइज आपके फ्रस्ट्रेट होंगे डिससेटिस्फेक्शन आएगा इससे क्या होगा उनको चांस मिलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे यानी लेबर टर्न बढ़ जाएगी और मेन बात कि आपका जो बॉस है यानी सुपीरियर और सबोर्डिनेट दोनों के बीच में रिलेशन खराब हो जाएंगे अनहेल्दी रिलेशन हो जाएंगे क्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनयर ऑफ पर्सोनल परसोनल यहाँ एम्प्लॉय के लिए यूज किया गया है टेनयोर यानी ध्यान दीजिए टेनयोर एक फिक्स उसका टर्न ओवर होना चाहिए सॉरी टेनयर होना चाहिए टेन योर का मतलब यहाँ एक पर्टिकुलर पीरियड की बात है फॉर एग्जाम्पल जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनका एक जगह पाँच साल नॉर्मल माना जाता है कि पाँच साल वो एक जगह रह सकते हैं उसके बाद उनका ट्रांसफर होगा ओके okay? तो ये तो बात हुई किसकी टेन्यूर की सो so, ये प्रिंसिपल क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सनल कि भाई जो आपका एम्प्लॉयज है उसका टेन्यूर क्या होना चाहिए फिक्स होना चाहिए उसका लगातार इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए उसका एक जॉब से दूसरी जॉब पर रोटेशन नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी हायर कर रहे हो इंप्लॉइज को कभी उनको फायर कर रहे हो इससे क्या होगा उनके अंदर जॉब सिक्योरिटी नहीं आएगी सो so, आपको इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए और अपने एम्प्लॉयज को फ्रीक्वेंटली ना तो ट्रांसफर करना चाहिए ना ही उसे अलग अलग जॉब पर रोटेट करना चाहिए और ना ही अपने एम्प्लॉयज को बार बार टर्मिनेट करना चाहिए ठीक है अगर आप ये सब काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा क्या इंपैक्ट रहेंगे अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे इससे इंप्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी उनका फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर नहीं हो रहा रोटेशन नहीं हो रहा टर्मिनेशन नहीं हो रहा तो क्या होगा वो सेटिस्फाई होंगे और सेटिस्फाई होंगे तो अच्छे से काम करेंगे दैट्स इंक्रीज होगी दूसरी बात एफिशियंसी से काम करेंगे टाइमली काम करेंगे वेस्टेज कम होगी तो टाइम और रिसोर्सेज दोनों की वेस्टेज नहीं होगी अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया तो क्या होगा इंप्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और आपके जो रिसोर्सेज हैं वो खराब होते रहेंगे आप जल्दी जल्दी टर्मिनेट कर रहे हो रोटेट कर रहे हो तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने में आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे सेकेंड लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इनिशिएटिव को समझ लेते हैं पहले इनिशिएटिव क्या है अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इंप्लॉय कोई भी पर्सन सेल्फ मोटिवेट हो करके आपके पास आता है कि भाई इस काम को हम बॉस इस काम को ऐसे ना करके ऐसे करेंगे तो ये फायदा होगा और काम भी जल्दी हो जाएगा इसका मतलब उसने क्या किया उसने इनिशिएटिव लिया और आपको अपना कोई आइडिया बताया इसको बोलते हैं इनिशिएटिव सो ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग दर्स्ट स्टेप विद इजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ए प्लान यानी देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए हमें कोई भी प्लान बनाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हमें इसको डिस्कस करना चाहिए किसके साथ अपने एम्प्लॉयिज़ के साथ उनसे सजेशन मांगने चाहिए कि भाई हमें इस काम को किस तरीके से करना चाहिए ठीक है और हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉज को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो कुछ इनिशिएटिव लें कोई प्लान बनाए और उस प्लान को आप तक लेकर के आए आप उनके प्लान को सुनो अच्छा लगे तो उसको एग्जीक्यूट करो इससे क्या होगा एम्प्लॉज को सेटिस्फेक्शन मिलेगा है ना उसको लगेगा कि मेरा जो बॉस है मेरे सजेशन की रेस्पेक्ट करता है और प्लान बनाने में उसके जो सजेशन है उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर दो इससे वो आगे फ्यूचर में कभी भी आपका डिसबिडेंस करेगा ही नहीं वो तो आपकी बात हमेशा मानेगा अगर आप उसको उस एम्प्लॉय को कुछ पोस्ट भी दे दोगे उसको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा भी दे दोगे तो वो उसका बुरा नहीं मानेगा क्योंकि उसे लगेगा कि सजेशन तो तू नहीं दिया था तो वो आपकी बात हमेशा मानता रहेगा ठीक है इसका मतलब ये नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी एम्प्लॉय ने सजेशन दिया इनिशिएटिव लेकर के हमने नहीं माना तो अब वो हमारी बात ना माने ऐसा नहीं होना चाहिए हमें उसके सजेशन के रिस्पेक्ट करनी है अगर अच्छा लगे तो उसको अप्लाई करना है अगर अच्छा नहीं लगता तो उसको बताना है कि भाई ये ये प्रॉब्लम आपके सजेशन में आ रही है तो इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे इससे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है एम्प्लॉय में उन्हें लगता है हाँ मेरे आईडिया की रेस्पेक्ट है मेरी रेस्पेक्ट है एम्प्लॉय टारगेट को टाइमली कंप्लीट कर देगा क्योंकि टारगेट प्लान उससे सलाह करने के बाद ही बनाया गया था नुकसान क्या अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया तो एम्प्लॉय का काम बेस्ट एबिलिटी से नहीं हो पाएगा डिमोटिवेशन आएगा इम्प्लॉय हो जाएगा यार बॉस को आइडिया बताने का कोई फायदा है नहीं मानता तो है नहीं सुनता तो है नहीं मेरी छोड़ मैं बताऊंगा ही नहीं आगे डिसन भी होगा और डिमोटिवेशन भी होगा एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिट डी कॉप्स स्प्रिट डी एक फ्रेज है इसका मीनिंग होता है टीम स्प्रिट देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है मैनेजमेंट मस्ट इनकरेज एंड प्रमोट टीम स्प्रिट यूनिटी एंड हारमोनी ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी यानी क्या कहता है ये प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजर को मैं नहीं हम कह के काम करना चाहिए क्योंकि एक अकेले से कुछ नहीं हो सकता पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही काम करना है सो so, मैनेजर को एज ए लीडर काम करना चाहिए और उसे ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे ये करना है मुझे ये करना है उसे कहना चाहिए हम ये करेंगे सो ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी इससे क्या होगा एम्प्लॉयज और मैनेजर के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट आएगा सभी मेंबर्स के अंदर बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी इससे क्या होगा पेनल्टीज वगैरह हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी so, डिकॉप प्रिंसिपल बोलता है कि भाई हमें ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे टीम काम करना है यूनिटी में काम करना है और आपस में हारमोनी बना करके रखनी है फॉर एग्जाम्पल आप देखिए अगर मान लीजिए एक बंदा बीमार हो जाता है दस लोगों का ग्रुप है दस लोगों में काम बांटा गया एक बीमार हो गया तो बाकी नो को क्या ये कहना चाहिए भाई हम उसका काम नहीं करेंगे फिर कहां टीम स्प्लिट रही कहां रही यूनिटी क्या होना चाहिए चाहिए बाकी नो को कहना ठीक है हम सब लोग पूरे काम को दस लोगों में ना बांट के न लोगों में बांट लेंगे यानी उसका काम भी ये सब लोग मिल करके कर देंगे इसी को क्या बोलेंगे टीम स्प्रिट सो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए इनकरेज करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या टीम स्प्रिट यूनिटी एंड हारमोनी और मैनेजर को मैं मैं ना करके हम हम करना चाहिए कि हम मिल करके ये कर सकते हैं पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहेगा इसका अचीवमेंट हो पाएगी ग्रुप गोल की वो भी टाइम पर यानी हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को टाइमली अचीव कर पाएंगे और टीम स्प्रिट डेवलप हो जाएगी नुकसान क्या होगा इसको अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे टीम गोल अचीव नहीं हो पाएंगे ही टीम स्प्रिट आएगी सब लोग सिर्फ अपने अपने ऊपर ध्यान देंगे सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल टुवर्ड्स द मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रिंसिपल सो थैंक यू